आज हम मिलाने वाले हैं अपने चारों बच्चों को। क्लोई का फर्स्ट बाथ है और हमारा एक कोलैबोरेशन होने वाला है। ये क्या, इसको ना कितना मजा आता है पानी के साथ। क्लोई छुपने की कोशिश कर रही है, तो इसका पहला बाथ देख लो। ठंडा ठंडा मजा आया ना। तो जय फाइनली घर आ गया। हाँ जी, तो कर्नाटका के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये देख लो, पूरे घर के अंदर इन्हें तबाही मचाई हुई है क्लोई के साथ। फन कर रहे हैं, फन कर रहे हैं ये। सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी। यस, आज हम नहलाने वाले हैं अपने चारों बच्चों को। क्लोई का फर्स्ट बाथ है, तो पहले क्लोई को नहलाएंगे और यहाँ बाहर नहलाएंगे हम, ठीक है। पाइप मैंने लगा लिया, कपड़े मैं थोड़ी देर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पूरा गीला तो मैं हो ही जाऊँगा। चौंकी मंगवा लेता हूँ और ये पाइप हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये पाइप निकल जाएगा तो यहाँ पर हम रस्सी बांधेंगे। और जीशु हेल्प करने वाला है मेरी। तो आज का ब्लॉग पूरा देखना, आज मैं आपको दिखाता हूँ होली से प्री होली क्या मस्ती करते हैं डॉग्स हमारे। और हमारा एक कोलैबोरेशन होने वाला है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बट इवेंचुअली आप बताओ कि अगर हमें अपने डॉग्स को लेके जाना है कहीं पर भी कोलैबोरेशन के लिए, तो कौन से दो डॉग्स लेके जाने चाहिए। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये ब्लॉग पूरा देखना आखिरी तक, ये ब्लॉग आपको पूरा देखना पड़ेगा आखिरी तक। और यहाँ पर अब उनको पता चल गया है पाइप लग गया है, तो यहाँ बच्चों को ना पता चल गया है। वो देखो ऊपर से ना वीडियो वाली दिख रही है, लाया रस्सी बांधने के लिए। तो देखो मैं बोलता रहा, रस्सी ला ना बेटा। हैं, क्या कह रहा? ये वाला नहीं निकलता, निकलेगा 100% नहीं निकलेगा। फिर पकड़ तू, मैं तब तक इसको ना वो कर। और अंदर मेरा फ़ोन बज रहा है, यहाँ पर ना इसको रस्सी से टाइट कर रहा हूँ ताकि पाइप ना बार बार ना निकले। तो गाइस कपड़े चेंज हो गए नहलाने के लिए और अब चलते हैं उनको नहलाने के लिए। पर पहले ना मैं गीला कर लूँ इसे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आज क्लोई का पहला बात है। यस, क्लोई को सबसे पहले हम नहलाएंगे, पर हम क्लोई को ना साइकोलॉजिकली लेडी ऑली के साथ नहलाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लेडी ऑली ना पानी इन्जॉय करती है, बब्जी नहीं करता, जोई इन्जॉय करती है। तो पहले हम दोनों को लेके आएंगे, लेडी ऑली को और साथ में लेके आएंगे क्लोई को, ताकि उसको मम्मी को देख के ऐसा लगे कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे मेरे को डर लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लोई को लाते हैं, फिर जो उसको खाली छोड़ते हैं, उसके बाद हम लेडी ऑली को लेके आएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे और फिर पानी की बारिश करेंगे उनके ऊपर और देखते हैं रिएक्शंस क्या निकल के आते हैं इनके। तो गाइस टाइम आ गया क्लोई के पहले बाथ का और ये देखते हैं कि पानी से डर रही है कि नहीं डर रही। पहले तो मैंने लेडी ऑली को गीला करना, ये देखो फुल फन के अंदर है। हाँ, ये देखो ये क्या, इसको ना कितना मज़ा आता है पानी के साथ, ये देखो। और अब क्लोई के ऊपर पानी जा रहा है। क्लोई अभी डर रही है पर मम्मी को देख के ना थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रही है। ये देखो, वाह है, तो दोनों के दोनों मस्ती मार रहे हैं। और ये ना बहुत अच्छा तरीका हो गया। हाँ जी, ये लो पानी पी लो, ठीक, ये लो। ओए होए, ओला छुपने की कोशिश कर रही है, सॉरी क्लोई छुपने की कोशिश कर रही है। तो इसका पहला बात देख लो, तो माँ बेटी इकट्ठे नहा रही है। ये लो, और यहाँ हम अभी सिर्फ शैम्पू के चक्कर में रुक गए हैं। ये देख लो, क्लोई बिल्कुल अपनी मम्मी की कॉपी लग रही है। वो देखो, मम्मी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गीली हो, बॉल से खेलना है तो खेलना है। ये देखो मस्ती मार रही है अपनी। और यहाँ क्लोई, हाँ हाँ बेटा, फर्स्ट टाइम, ये देख लो इनको बहुत मज़े आ रहे हैं। अभी और नहलाना बाकी है तुम्हारा बेटा। तो गाइस इनका शैम्पू हो गया, तो पूरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जब बब्जी और लेडी जोई नहाएगी। तो अब टाइम है इनका, सबसे पहले पहुंचते हैं हम अपनी एक छोटी सी गुड़िया को मज़ेदार अपडेट। ओए होए होए,
और इनको ना हम इसके बाद पहुँचने के बाद ड्राई नहीं करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे। ये देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है ना, ये देखो अरे अरे अरे, हाँ ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। ओए होए होए बहुत बढ़िया, छोड़ो से तुझे क्या पड़ी है, गुस्सा मत करियो बेफालतू का। ओए ये देखो ये ना खेलने लग गई है बिल्कुल अपनी माँ की तरह ना, इधर जो मर्जी कर तू। चलो हटो, हो गया पहुंच गए, चल नीचे। तो अब बस वही हो गया तेरा, सनी इसको ले जाओ ऊपर, तो थोड़ी देर सूख जाएगी ना फिर कंघी करेंगे, ठीक है ले जा इसको बाहर निकाल ले, नहीं तो ये इसको साथ साथ खेलती रहेगी। आ जाओ दोबारा आ जाओ, एक बार आ जाओ आ जाओ। और पहुँचना क्या, और पहुँचना चुप कर, चल फ्री हो जा। ठंडा ठंडा मज़ा आया, मज़ा आया ना नहा के, बहुत टाइम बाद नहाई है ना। आजा पीछे से, इधर आजा पीछे से, कर एक बार झाड़ ले। ओए खेलना नहीं है अभी इसको ना, सिर्फ खेलने की पड़ी रहती है। तुझे फाइनली घर आ गया। हाँ जी, आप क्यों नहीं आ रहे थे इतने टाइम से अपने घर, हैं क्यों नहीं आ रहे थे? राहुल जी कह रहा है ये कोक बिल्कुल नहीं खोलनी, इसकी छाती पकड़ी है, बहुत ठंडी है। हम आप इसको डांटते नहीं है, मैंने देखा यार ना, उसको क्यों गुस्सा दिखा रहा है अपने, वो देखो वो देखो वो देखो। हाँ मजा आ रहा है आपको अपने घर में? नहीं, मेरे को उठा लो, आप इतने बहाने मत मारो, उठाओ और जो उधर रख दो, नहीं मिलेगी ठीक है, पूरी रात अगर खा खा करता रहता बुखार में पड़ा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, और जिद मत दिखाइयो मुझे। चलो उधर जा दादी के पास, आओ इधर आओ, मेरे पास मत आ, चलो आओ। तो मेरा ये आना बहुत ज़रूरी था और आपको बताना था कि देयर इज़ अ रिलीफ, और जो डॉग बैन इन इंडिया चल रहा है उसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, तो कर्नाटका के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी हमारी फैमिली के लोग कर्नाटका रहते हैं, जितने भी पेट लवर्स हैं, जो मानते थे ये ब्रीड बैन वाला बैन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कर्नाटका से हो तो, आपके अब कर्नाटका के अंदर कोई भी आपको अपने डॉग को स्टरलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बैन जो था कर्नाटका के अंदर वो अपलिफ्ट हो गया है, यस स्टे लग गया है बैन के ऊपर, नाउ द केस विल रन, और इवेंचुअली हर एक स्टेट ऐसे ही डिफेंड करने वाली है। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता था कि कर्नाटका के लिए एक खुशखबरी है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कर्नाटका, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स कर्नाटका से हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम इन दिल्ली वेरी सून। तो कर्नाटका के अंदर बैन हट गया है, डॉग बैन, एंड दे हैव वन इट, और आज ही उन्होंने अपील, मतलब अपील तो 3-4 दिन पहले डाली थी, बट आज पहली ही तारीख के अंदर दे गॉट
the stay over it and I'm very happy. I wish कि दिल्ली के अंदर भी ये जल्दी से जल्दी आए, बाकी सारी स्टेट्स के अंदर आए, ताकि हम जितने भी पेट पेरेंट्स हैं वी शुड बी अंदर से सिक्योर हो जाएं कि हमारे डॉग्स को हमें ज़बरदस्ती स्टरलाइज नहीं कराना पड़ेगा. और रादर देन हम पेट एडुकेशन को ज़्यादा फैलाएं, पेट पेरेंटिंग को ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोगों जो ये बड़े डॉग्स ले लेते हैं उनको समझ आए कि डॉग्स रखने कैसे हैं. तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू द कर्नाटका फैमिली. आई होप कि ये न्यूज़ आपको जल्दी मुझसे मिले फॉर वेरियस अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ मैं दोपहर को आया था, सारा पैक इकट्ठे लेटा हुआ, ले लो ठीक है. आज इनका रेस्ट डे है, ये नहा चुकी है, आप सुबह देख चुके हो, ये भी नहा चुकी है. कंघी अभी नहीं की हमने, अभी थोड़ी देर के अंदर इनको लेके जाएंगे. आज इनका प्लान बन रहा है घूमने का, और ये कहाँ जा रहे हैं ये आपको कमेंट करना है. मैंने आपसे पूछा भी था कि हमारी कोलैबोरेशन होने वाली है, तो ये कहाँ जा रहे हैं और हम कौन से दो पेट्स लेके जाएं, प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि जर्नी यहाँ से दिल्ली से 12 से 14 घंटे की है एक तरफ की. तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आप हमें ढंग से देख रहे हैं तो आप बताओ कि हम किससे मिलने वाले हैं. हाँ, जो हमारे पेट इन्फ्लुएंसर हैं, जो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, नाउ ही हैज़ 3 डॉग्स और बहुत फेमस है वो. तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ किससे मिलने वाले हैं, एंड हम आपको बताएंगे कि इस वीकेंड आपको क्या दिखने वाला है. सो इस रात के 9:15 बजे हैं, और काफ़ी लोगों का ये था कि जे को क्यों नहीं ला रहे. ये देख लो, ये फाइनली जे आ गया यहाँ पर, और ये देख लो पूरे घर के अंदर इन्हें तबाही मचाई हुई है क्लोई के साथ. अब जो ही ऊपर चली गई है तो क्लोई आ गई है इनके पास. वो देखो कितना फन ले रहा है. क्या कौन तीतू है? क्या तीतू, इसका मतलब क्या हुआ तीतू का? जा खेलो. तो आज शाम को हम दोनों बच्चों को लेके गए थे मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने दबा के 3-3, 4-4 आइसक्रीमें खाई हैं. और ये देखो सारे के हाँ. और जिन जिन लोगों को लगता है, या जिन जिन पेरेंट्स को लगता है कि आपको एक रॉटवाइलर नहीं लेना चाहिए, आप ले सकते हैं. अगर आपको पेट एक्सपीरियंस है तो आप ले सकते हैं. ये देखो एक रॉटवाइलर के साथ हमारा 2.5 साल का बच्चा. ये देखो ये देखो ये देखो फन कर रहे हैं, फन फन कर रहे हैं ये. अच्छा नैपकिन उठाओ, चलो नैपकिन गिर गए, कोई नहीं सुनता. ये देखो हाँ, तू भी सुन ले. भाग गई दादी के पास, भाग गई है वो. और उधर उस कमरे के अंदर हाँ, ये क्या है, ये क्या हाँ, ये क्या फन हो रहा है इनका यहाँ पे ना. और वहाँ पे जाके देखते हैं जे गोली क्या कर रहा है. चलो जे गोली क्या कर रहे हो आप, नीचे उतरो, नीचे उतरो, मम्मी बुला रही है आपको. चलो उधर, ये लो ये भी आ गए. ये तीनों बच्चे आपस में लगे हुए हैं, वो देखो फन कर रहे हो, फन कर रहे हो आप, फन कर रहे हो. ये लो, ओए होए इनको बहुत मज़ा आ रहा है आज, बहुत मज़ा आ रहा है. नीचे उतर जा, गिर जाएगा यहाँ से. मेरे बच्चे नीचे उतर जा, गर सारी लाइटें बंद कर दी फिर. हाँ नहीं जे कोहली फिसल जाओगे यहाँ से. वेरी गुड वेरी गुड, लाइट्स ऑन कर दो. वेरी गुड, हाँ सारी ऑन है, नहीं एक रह गई. चलो गुड गुड बॉय, चलो उधर जाओ, मारो मस्ती. हाँ जी खाना चाहिए, चला दो खाना डालो. कम कम क्लोई. तो क्लोई मेरे पीछे पीछे आ गई है क्योंकि इसको खाना चाहिए. खाना डल गया है क्लोई का, बना हुआ है. हाँ क्लोई को डाल देते हैं अभी. डाल दो क्लोई को, डाल दो. चल ठीक है मैं डाल. सो गाइस ये है अगली सुबह, मतलब आज सूरज निकल आया और मैं जिम आ गया हूँ फाइनली. मन्नी चली गई है अपने ऑफिस, तो जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे 6:15 तक मोस्ट प्रॉबली वो ऑफिस से वापस आ चुकी होगी गुड़गांव से. और यहाँ पे हमारी मैडम साथ आई हैं, और यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मैडम बैठी हुई हैं. हाँ जी गुड मॉर्निंग कर दो. तो मम्मी आई हैं ऊपर वैसे ही मिलने मुझसे, क्योंकि कल हमने ना जिम की सफाई कराई थी. तो एक प्रॉब्लम है हमारे जिम के अंदर, ये आप देख रहे हो. तो ये ना हमारे यहाँ पे ना कबूतर बैठते हैं, वो देखो यहाँ पे ये पूरे कबूतर बैठते हैं, और यहाँ पे ना ये पॉटी करते रहते हैं. तो उससे क्या प्रॉब्लम है, हमारा जिम हमेशा ही गंदा रहता है. कल साफ़ हुई है, ये दोनों बेंचेस भी कल साफ़ हुए, ये भी साफ़ हुआ, बट ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी कि सफाई हुई हुई है. और तुम बहुत टाइम बाद जिम आओ तो तुम्हारा मन नहीं करता कि यार तुम सफाई करो, तो ये तो साफ़ जिम मिल जाए तो एक्सरसाइज कर लो. पहले तो अपने मन को मनाओ कि भैया तुझे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आके देखो जिम खराब है तो फिर सफाई करो, तो नहीं होता ना. फिर सफाई कर ली तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, और फिर सफाई करके अगले दिन छुट्टी मार लोगे तो फिर गंदा हो जाएगा, तो समझे. और यहाँ ये अपनी मस्ती में लगी हुई है, कह रही आज मैं कुछ अलग करके जाऊँगी,
तो आज जो हम करने वाले हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, और आज मैं हल्की एक्सरसाइज करूँगा और आज एक घंटा वॉक करूँगा, एक घंटा डेढ़ घंटा ठीक है, वॉक ही करूँगा क्योंकि वेट ज़्यादा है और डाइट पे कंट्रोल रखा हुआ है, कोशिश पूरी है, आज भी भगवान हिम्मत दे तो आज भी पूरा दिन निकालेंगे, ऐसे एक एक दिन कर करके 90 डेज कंप्लीट करेंगे और डे 3 है, 90 दिन जब हो जाएंगे तो फिर शायद आपको एक अलग राहुल दिख जाएगा, क्योंकि डाइट पे मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, आप बिलीव नहीं करोगे। और रात को ऐसा भी हालत हो गया था कि मुझे पेट में ना दर्द हो रही थी गैस की वजह से, गुब्बारा बन गया था कि तुमने कुछ डाला नहीं है इसके, और शुक्र मनाओ कि 8 बजे मम्मी आ गई, उन्होंने 2 एप्पल काट के दे दिए, नहीं तो मैं वो भी नहीं खाता। तो बातें ज़्यादा हो गई, सुबह सुबह एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सन्नी को बुलाया मैंने तेरे को ले जाने के लिए, अब इसको ना धूप ज़्यादा लग रही है और ये बार बार ना कह रही है कि मुझे अब आज़ाद करो, अब तू थोड़े पैक के साथ घूम ले ठीक है ना, और अभी नीचे आ जाएगा सन्नी, वहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा और फिर मैं सन्नी के साथ जोई को भेज दूँगा। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। तो आज की ट्रेडमिल हो गई है, तो इतने स्टेप्स हुए, टाइम 1 घंटा लिया था मैंने बस, पर जोई जा चुकी है नीचे सनी के साथ, अब तो घूम भी चुकी होगी, अब मैं जाके इनको खाना देता हूँ, अपना दिन शुरू करता हूँ, नहाता हूँ, अपने एग्स बॉईल करता हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे 4 या 5 एग वाइट्स होंगे, साथ में एक एप्पल कटा हुआ, दैट्स इट, और दोपहर का खाना, उसके बाद कुछ नहीं। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा ठंडा होते हैं, फिर
नहाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस और दिन शुरू करते हैं।